हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और सॉफ्टवेयर का यूज कहां कहां होता है। यह वीडियो लेक्चर 11 है और इस वीडियो में हम जानेंगे अच्छी तरह से सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारे के सारे हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सॉफ्टवेयर सबसे पहले ये बताना चाहते हैं आप लोगों को, सॉफ्टवेयर केवल हम कंप्यूटर में देखते हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते, यानी कि छू नहीं सकते हैं। तो देखिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर फ्लो इनसाइड द वायर जस्ट लाइक ए करेंट। यानी कि सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम या निर्देश है जो एक करेंट की तरह तार के अंदर बहता रहता है। सॉफ्टवेयर इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का हिस्सा है। दैट कंसिस्ट ऑफ डेटा, जिसमें डेटा इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम होते हैं। तो आप लोगों ने एक तरह से सॉफ्टवेयर के बारे में जान लिया कि यानी कि सॉफ्टवेयर हमारा प्रोग्रामों का निर्देश होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कार्य करने की अनुमति दी जाती है कि आपको ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन करने हैं या इस टाइप के कार्य करने हैं। एक एक चीज़ बारीकी से सॉफ्टवेयर को बताया जाता है, तो हम लोग कंप्यूटर में कार्य कर सकते हैं, अपने मुताबिक कार्य करते हैं। तो देखिए, सॉफ्टवेयर जो बनता है, सबसे पहला इसका पहलू है वो है इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको कोडिंग करनी पड़ती है और वही कोडिंग की एक एक लाइन हमारा इंस्ट्रक्शन कहलाता है। देखिए, इधर एक साइड में हम कुछ कोडिंग किए हैं, जैसे एक एक ये लाइन जो लिखी गई है ये हमारा क्या कहलाएगा, इंस्ट्रक्शन। यह जोड़ने के लिए एक प्रोग्राम लिखा गया है, यानी कि एडिशन के लिए एक प्रोग्राम लिखा गया है, दो नंबर को जोड़ना है, और ये सारे मिलकर हमारा क्या बन गए, कमांड। और यही ऐसे छोटे छोटे कमांड्स कई मिल जाते हैं तो हमारा बन जाता है प्रोग्राम, और कई प्रोग्राम जब मिलकर बनते हैं तो हमारा बनता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बनाने की यही प्रोसेस है। तो देखिए सॉफ्टवेयर, अब देखिए सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन दैट टेल ए कंप्यूटर व्हाट टू डू, यानी कि सॉफ्टवेयर निर्देश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, अभी हम आप लोग को बताएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर कंपेरिज द एंटायर सेट ऑफ प्रोग्राम प्रोसीजर एंड राउटिंग एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर सिस्टम के संचालन से जुड़े कार्यक्रमों, प्रक्रियाओं और दिनचर्या का पूरा सेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर टू ओपन ए टास्क इज कॉल्ड अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यानी कि निर्देशों का एक सेट जो किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर को निर्देशित करता है, उसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी कि प्रोग्राम कहिए या सॉफ्टवेयर कहिए, एक ही है, बट इंस्ट्रक्शन और कमांड ये अलग अलग हैं। तो कंप्यूटर में कुछ भी काम कराना है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, एक सॉफ्टवेयर की। बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर कुछ कार्य नहीं करता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए भी बनाए जाते हैं और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाने के लिए भी बनाए जाते हैं। तो चलिए हम अलग अलग टाइप्स के सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं पहले, और उनके कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो देखिए, सॉफ्टवेयर विभिन्न टाइप्स के होते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे, इनमें कौन कौन से टाइप, किसको किसको क्या, हम कौन से सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। देखिए, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, पहले से हम लोग जान चुके हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का सेट होता है जिसमें कई तरह के कमांड्स लिखे जाते हैं। विच इज डिजाइन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड फंक्शन, यानी कि जिसे एक अच्छी तरह से परिभाषित कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ए सॉफ्टवेयर, ए प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि राइटन टू सॉल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को यानी किसी समस्या को सॉल्व यानी कि हल करने के लिए लिखे गए निर्देश का एक क्रम होता है। देखिए, अगर दो नंबर को जोड़ना है, अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं दो नंबर जोड़ने के लिए, तो उसमें हम एक एक लाइन लिखेंगे कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो फाइनली हम रिजल्ट का मेंशन करते हैं कि ये सब प्रक्रिया होने के बाद हम रिजल्ट पा सके। तो पहले हम दो नंबर ऐड करने के लिए लिखेंगे प्रोग्राम, फिर इसका आउटपुट प्राप्त करने के लिए लिखेंगे,
जो आपको हम अभी पीछे बताया है। तो देखिए सॉफ्टवेयर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये अलग अलग होते हैं कंप्यूटर में, इन्हीं पे सारा कार्य होता है। तो चलिए इनको हम अच्छी तरह से जान लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम जान लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कही जाए तो जिस तरह बॉडी में आत्मा यानी कि प्राण होता है, उसी तरह कंप्यूटर का ये सोल है, आत्मा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कुछ भी कंप्यूटर में कार्य नहीं होता है। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं क्या, इनके बारे में जान लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल आवर कंप्यूटर। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर को। दूसरा पॉइंट इसका है कि टेक्स केयर ऑफ इट्स वेरियस पार्ट्स, यानी कि उसके विभिन्न भागों को देख रेख करता है। कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स होते हैं अटैचमेंट, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, तमाम तरह के पोर्ट्स होते हैं जिनके जरिए अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, ये सब हमारे जितने भी कंट्रोलिंग का काम होता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। नेक्स्ट है इट इज़ डिजाइंड टू मेक गुड यूज़ ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ ऑल द हार्डवेयर इन द कंप्यूटर। यानी कि यह कंप्यूटर में लगे सभी हार्डवेयर की क्षमताओं का अच्छे से उपयोग करने के लिए बनाया जाता है। अगर प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, माउस, कीबोर्ड ये सब जुड़े होते हैं, इनको अच्छे से काम करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि द सिस्टम सॉफ्टवेयर आल्सो अलाउज द यूज़र टू यूज़ द कंप्यूटर। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़र को कंप्यूटर प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहता है तो हम कंप्यूटर में कुछ काम नहीं कर सकते हैं। यूजर तब काम करेगा जब सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है तो हमारा कार्य करना भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट है कि द यूज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रिएट एनी इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर जो होते हैं हमारे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्डवेयर जो होते हैं इनके और यूजर के बीच यह एक इंटरफेस प्रदान करता है। यूजर इनके बीच ये क्या करता है, इंटरफेस प्रदान करता है। अगर हार्डवेयर से काम लेना है यूजर को तो उसके बीच में आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, तभी इन सभी का हम काम का उपयोग में ले सकते हैं। सो दैट द यूजर कैन ईजिली डू हिज वर्क, यानी कि जिससे कि यूजर अपनी कार्य को आसानी से कर सकता है। तो आप लोगों ने जाना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि जो कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए और हमारे द्वारा दिए गए कार्यों को करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही सारे के सारे हार्डवेयर चलते हैं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है डॉस, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ओएस और एक है विंडोज़ और यह सुलारिया और एक है हमारा एंड्रॉयड। ये कि सारे के सारे क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में दो टाइप्स का होता है, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस और एक होता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। कमांड लाइन में कोई भी कार्य करना होता है तो एक कोड लिखा जाता है, और ग्राफिकल में होता है कि कोई भी कार्य करना है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, क्लिक करके अपना कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिखाई देता है कहाँ सेव करना है, कहाँ से डिलीट करना है, कहाँ से टेक्स्ट को मूव कराना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। बट कमांड लाइन में ऐसा नहीं होता है, इनमें कॉपी करने के लिए भी कोड लिखा जाता है एक छोटा सा, और फोल्डर बनाने के लिए, फाइल बनाने के लिए, इन सब में हम अपना अलग से कोड लिखते हैं। तो देखिए डॉस का और यूनिक्स ये हमारे कमांड लाइन इंटरफेस हैं, इनमें हम चित्र नहीं देखते हैं, केवल टाइप करके कमांड दे के कार्य करते हैं। डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा केवल हार्ड डिस्क से अटैचमेंट होकर चलता है, और यूनिक्स ये दोनों हमारे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड लाइन इंटरफेस। बाकी लिनक्स है, मैक है, विंडोज है, सुलारी एंड्रॉयड है, ये सारे के सारे हमारे कौन से कहलाएंगे, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इनमें यूजर आसानी से देख सकता है, आसानी से कार्य कर सकता है। हर मेनू के लिए एक एक अलग अलग आइकन बनाए गए हैं।
इनमें कोई आइकन नहीं होते हैं। अब आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर को मेंटेन रखते हैं, उसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। जिसमें एक है डेटा कंपेरिजन, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, बैकअप सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस। आप लोग इन सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। डेटा कंप्रेशन मतलब होता है कि बड़ी फाइल को छोटी फाइल में करना। डिस्क फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जो हमारे मेमोरी होते हैं उनमें डिलीट किए गए स्थान को मैनेज करके एक सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करके रखना, ये डीफ्रेगमेंटेशन कहलाता है। बैकअप सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे, कि सारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को बैकअप करके या कोई डेटा को बैकअप करके हम रख सकते हैं भविष्य के यूज के लिए, कि अगर हमारा सिस्टम ख़राब हो जाए तो फिर हम पुनः इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीवायरस का प्रयोग होता है कंप्यूटर में कोई भी बाहर से कोई भी अनचाहा प्रोग्राम आते हैं जो हमारे कंप्यूटर को डिस्टर्ब करते हैं, यानी एक तरफ से कहा जाए कि करप्ट करते हैं, ख़राब करते हैं, तो ये सब ना हो। हमारे जितने भी इंटरनेट से वायरस आते हैं वायरस के रूप में, वो भी हमारे एक प्रोग्राम होते हैं, उन वायरसों को ये क्या करता है, एंटीवायरस रिमूव करता है, हटा देता है, जिससे हमारा कंप्यूटर सिक्योर और फास्ट चलता रहता है। एक आता है डिवाइस ड्राइवर। कहा जाए कि डिवाइस ड्राइवर का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। कंप्यूटर में अगर कीबोर्ड चलाना है तो कीबोर्ड डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, माउस चलाना है तो माउस के लिए भी डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। हालांकि कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस का डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से इंस्टॉल होता है, इसको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट प्रिंटर अगर खरीद कर मार्केट से लाए तो प्रिंटर के लिए एक डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, जो कि डिवाइस ड्राइवर यह बताता है प्रिंटर के बारे में कंप्यूटर को कि हमारे साथ एक प्रिंटर जुड़ा है और इसका भी कंट्रोलिंग करना है। वाईफाई इस्तेमाल करना है तो वाईफाई के लिए एक डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। साउंड के लिए, साउंड सुनना है तो ब्लूटूथ है। तमाम तरह के हमारे हार्डवेयर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। इनके बिना कोई डिवाइस काम नहीं करेगा कंप्यूटर के अंतर्गत। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सबसे बड़ा अहम होता है। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं बट कंप्यूटर आप लोगों ने सुना है कि 01 पे काम करता है, बाइनरी संख्या पे काम करता है। तो ये सारे के सारे हमारे ट्रांसलेटर कन्वर्ट करते हैं 01 के रूप में। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज जो इंग्लिश में होता है उसे बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और कंप्यूटर जो इस्तेमाल करता है उसे बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो ये हाई लेवल से लो लेवल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इंग्लिश से ये 01 के रूप में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इंटरप्रेटर जो है अगर बात की जाए तो ये 1x1 लाइन कन्वर्ट करता है। एक बार में अगर एक पेज हम कोडिंग लिखे हैं तो इसमें ये क्या करता है, 1x1 लाइन को कन्वर्ट करता है। और जो कंपाइलर है वो एक ही बार में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है पूरे पेज को एक एक वर्ड के रूप में। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में जान गए होंगे और कौन कौन से होते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और यह वीडियो आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको शेयर कीजिए दूसरे लोगों के पास अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर वीडियो।